स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन मत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर है हॉपकिंस एंड फुंक ने 1912 में ये मत प्रस्तुत किया था। सेकंड क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है एनआई लूनिन ने 1881 में विटामिन की खोज की थी। थर्ड क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने लूनिन की खोज का समर्थन किया था? तो इसका आंसर है इस्कमान वैज्ञानिक थे जो जिन्होंने 1897 में लूनिन की खोज का समर्थन किया था। फोर्थ क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग को उत्पन्न होने से रोकने वाले पदार्थ की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आंसर है फुंक। आपको फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि फुंक ने चावल की जो छीलन होती है उससे इस पदार्थ को खोजा था। और फिफ्थ क्वेश्चन है, सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जो इसका आंसर है फुंक, इन्होंने 1912 में ही विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। तो बता दें, विटामिन शब्द उन्होंने, बीटा मीन्स लाइफ, एमीन मीन्स इसेंशियल, इसेंशियल मतलब लाइफ के लिए, मतलब जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं उन्हें उन्होंने इसीलिए मिलाकर के उन्होंने विटामिन शब्द दिया। सिक्स क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सोल्युबल विटामिन्स के नाम बताओ। तो इसका आंसर है B1, B2, B6, B12, सी निकोटिनिक अम्ल, पेंटोथिनिक अम्ल, बायोटिन, फोलिक अम्ल समूह यानी फोलिक एसिड ग्रुप। सेवेंथ क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चावल की छीलन से विटामिन बी को किसने पृथक किया था? तो फ्रेंड्स, हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि सर्वप्रथम चावल की छीलन से वैज्ञानिक फुंक ने 1912 में विटामिन बी को पृथक किया था। नोट, इसका हम इसके बारे में बता दें, सर्वप्रथम फुंक ने जो है चावल की छीलन से जल में घुलनशील यानी जो वाटर में जो सॉल्युबल विटामिन थी तथा नाइट्रोजन युक्त तो जो विटामिन की खोज की, जिसे उन्होंने विटामिन बी कहा, तथा बाद में 10 अन्य ऐसे ही विटामिन की खोज हुई और इन सबको संयुक्त रूप से बी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया। एट क्वेश्चन है, विशुद्ध रूप से विटामिन B1 को किस वैज्ञानिक ने पृथक किया था? तो विशुद्ध रूप से विटामिन B1 को जो पृथक करने वाले हैं, इसका आंसर है वैज्ञानिक विलियम्स, इन्होंने 1934 में पृथक किया था। तो नाइन क्वेश्चन है, B1 की आणविक संरचना को किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया? इसका आंसर है विलियम्स। 10 क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने विटामिन B1 के शुद्ध द्रव्य यानी क्रिस्टल्स तैयार किए थे, विटामिन B1 के शुद्ध क्रिस्टल्स? तो इसका आंसर है जेनसन, इन्होंने 1949 में जो विटामिन B1 के हैं शुद्ध क्रिस्टल्स तैयार किए थे। 11 क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर है विटामिन B1। 12 क्वेश्चन है, विटामिन B2 की खोज कब हुई तथा इसे किसने खोजा था? तो विटामिन B2 की खोज सन 1935 में हुई और इसे दूध से निकाला गया था, इसे दूध से पृथक करके निकाला गया तो तब इसकी खोज हुई। और 13 क्वेश्चन है, विटामिन B2 किन सह एंजाइम यानी को एंजाइम्स का फैक्टर है यानी घटक है? तो इसका आंसर है FAD एंड FMN। 14 क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है किलोसिस, होंठों तथा नासिका पर पपड़ीदार त्वचा, सिरदर्द, आंखों में जलन आदि। 15 क्वेश्चन है, निकोटिनिक एसिड को किन और दो नामों से जाना जाता है? तो इसका आंसर है नियोसिन एंड विटामिन PP। 16 क्वेश्चन, निकोटिनिक एसिड के किस सह एंजाइम यानी कि को एंजाइम्स के सक्रिय घटक हैं? तो इसका आंसर है NADN NADP। 17 क्वेश्चन है, निकोटिनिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है? तो इसका आंसर है चर्मदाह यानी डर्मेटाइज यानी अर्थात पेलाग्रा रोग। 18 क्वेश्चन है, विटामिन B6 शरीर में किनके बनने में सहायक होता है? तो इसका आंसर है लाल रुधिराणु
यानी कि रेड ब्लड कार्ड सेल्स के और प्रतिरक्षी प्रोटीन्स के बनने में, यानी एंटीबॉडीज जो प्रोटीन्स होती हैं उनके बनने में। 19 क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? तो इसमें इसका आंसर किडनी स्टोन, यानी किडनी में जो पथरी हो जाती है, चर्म रोग हो जाता है, डर्मेटाइटिस जिसे कहते हैं, रुधिर क्षीणता यानी एनीमिया रोग हो जाता है। 20 क्वेश्चन है, किस विटामिन का संश्लेषण आंत के जीवाणु करते हैं? तो इसका आंसर है विटामिन B6। 21 क्वेश्चन है, पेंटोथिनिक अम्ल किस सहे एंजाइम का घटक है, यानी को एंजाइम का घटक है? तो इसका आंसर है को एंजाइम ए, यानी सहे एंजाइम ए। 22 क्वेश्चन है, पेंटोथिनिक एसिड की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है डर्मेटाइटिस यानी चर्म रोग, मंदबुद्धि, सिरदर्द, बालों का सफेद होना, रिप्रोडक्टिविटी कम होता है यानी फर्टिलिटी का कम हो जाना, जनन क्षमता वो कम हो जाए। 23 क्वेश्चन है, बायोटीन का दूसरा नाम है? इसका आंसर है विटामिन H। 24 क्वेश्चन है, बायोटीन किसका सह एंजाइम होता है, यानी को एंजाइम होता है? तो इसका आंसर है ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल आदि के उत्सर्जन में संबंधित एंजाइमों का के को एंजाइम होता है। 25 क्वेश्चन है, बायोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो बायोटीन की इसका आंसर है बालों का झड़ना, त्वचा रोग, कमजोरी, भूख मर जाना। 26 क्वेश्चन है, फोलिक एसिड ग्रुप का क्या कार्य है, यानी फोलिक एसिड अम्ल समूह जो कार्य है वो, इसका आंसर है आरबीसीज के निर्माण में, यानी लाल रुधिराणु के निर्माण में, सिंथेसिस ऑफ डीएनए यानी डीएनए के संश्लेषण में, ग्रोथ यानी वृद्धि में, रिप्रोडक्शन मतलब जनन क्षमता में। 27 क्वेश्चन है, फोलिक एसिड ग्रुप की कमी से होने वाले रोग हैं? इसका आंसर है वृद्धि कम एंड रुधिर क्षीणता यानी एनीमिया रोग, और ग्रोथ जो है वो कम होती है। 28 क्वेश्चन है, विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है साइनोकोबालामिन। 29 है, विटामिन B12 के इंजेक्शन किस बीमारी के उपचार में लगाए जाते हैं? तो विटामिन B12 के इंजेक्शन जो है, जब घातक रुधिर क्षीणता हो जाती है यानी परनीसियस एनीमिया हो जाता है, तब विटामिन B12 के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। 30 क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है नर्वस सिस्टम की कार्य की गड़बड़ा जाती है, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, उसकी कार्य की गड़बड़ा जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, यानी कि याद रखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। 31 क्वेश्चन है, विटामिन C का दूसरा नाम क्या है? तो विटामिन C का दूसरा नाम, इसका आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। 32 क्वेश्चन है, विटामिन C का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है दांतों में, डेंटिन निर्माण में। 33 क्वेश्चन है, 18वीं सदी में सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई? तो इसका आंसर है विटामिन C। 34 क्वेश्चन है, विटामिन C की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है स्कर्वी रोग, स्कर्वी डिजीज जो होती है वो विटामिन C की कमी से होती है। 35 क्वेश्चन है, बसा में घुलनशील विटामिन्स यानी फैट सॉल्बिल्स के नाम क्या हैं? जो बसा में जो जो फैट सॉल्बिल विटामिन्स हैं उनके नाम हैं ADEK। तो 36 क्वेश्चन है, विटामिन A का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर है रेटिनॉल। 37 क्वेश्चन है, विटामिन A का प्रमुख कार्य क्या है? यानी इसका आंसर दृष्टि रंगाओं के संश्लेषण में भाग लेना, यानी विजुअल पिगमेंट्स के सिंथेसिस में भाग लेना। 36 क्वेश्चन है, विटामिन A का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर है रेटिनॉल। और 37 क्वेश्चन है, विटामिन A का प्रमुख कार्य क्या है? तो विजुअल पिगमेंट्स के सिंथेसिस में भाग लेना। 38 क्वेश्चन, विटामिन A की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, सल्की भवन, कर्नेटिनाइजेशन एंड किडनी स्टोन। तो 39 क्वेश्चन है, किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन यानी एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं? तो इसका आंसर है विटामिन A। 40 क्वेश्चन है, विटामिन D का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है कैल्सीफेरॉल समूह यानी कैल्सीफेरॉल ग्रुप।
41 क्वेश्चन है, विटामिन डी कितने प्रकार की होती है तथा उनके नाम। तो विटामिन डी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, जो कि कोली कैल्सीफेरॉल यानी D3 और अर्गो कैल्सीफेरॉल यानी D2। 42 क्वेश्चन है, किस विटामिन को धूप का विटामिन यानी सनशाइन विटामिन कहते हैं। तो इसका आंसर है विटामिन D3। 43 क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन डी की कमी में बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। 44 क्वेश्चन है, विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर है टोकोफेरॉल। 45 क्वेश्चन है, विटामिन ई किस कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है रेड ब्लड कार्प सेल्स के निर्माण में यानी लाल रुधिराणुओं के निर्माण में महत्वपूर्ण। 46 क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। तो इसका आंसर है एनीमिया रोग यानी रक्त क्षीणता। 47 क्वेश्चन है, विटामिन के का दूसरा नाम है। तो इसका आंसर है नेथोक्विनोन। 48 क्वेश्चन है, विटामिन के किस किस लिए सहायक है। तो इसका आंसर है रुधिर का थक्का जमने में, मतलब ब्लड की क्लॉटिंग होने में ये सहायक है विटामिन के। 49 क्वेश्चन है, विटामिन के को रुधिर का थक्का जमने से सहायक होने के कारण इसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है रुधिर स्राव रोधी पदार्थ यानी एंटी हीमोर्फिक हेजिक फैक्टर। 51 एक या अधिक विटामिन की कमी से होने वाली दशाओं को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है विटामिन न्यूनता रोग या अविटामिनता यानी ए विटामिनोसिस। सो फ्रेंड्स, हम आपको अब टेबल ऑफ विटामिन्स यानी विटामिन्स की टेबल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस पूरा कंप्लीटली रूप से समझाएंगे कि ये कैसे काम करते हैं, इसे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप देख रहे हैं होंगे कि ये नाम स्रोत कार्यकारी पर प्रभाव तथा कमी का प्रभाव किस यानी कमी का प्रभाव मतलब कौन सा रोग हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन B1 विटामिन पहला विटामिन है जो विटामिन जो वाटर में सॉल्विल होती है यानी कि पानी में जो घुलनशील होती है विटामिन, जिसमें सबसे पहली है B1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। ये अनाज तथा फलियों सोयाबीन दूध अंडे मांस में प्राप्त होती है तथा इससे जो शरीर पर जो प्रभाव पड़ता है वो ये है कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल के उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइमों का सह एंजाइम है और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो सेकेंड विटामिन है B2 जिसे जी भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और ये पनीर अंडे यीस्ट मांस हरी पत्तियां यकृत में पाया जाता है और इसकी जो शरीर की जो कार्यकारी पर जो प्रभाव पड़ता है FAD FMN का घटक होता है। इसकी कमी से किलोसिस रोग हो जाता है। थर्ड विटामिन है निकोटिनिक अम्ल जिसका रासायनिक नाम नियासिन है तथा इसे PP भी कहते हैं। ये जो है यीस्ट मांस यकृत मछली अंडे दूध मटर मेवा तथा फलियों में पाई जाती है। इसकी वजह से रेड ब्लड कार्प सेल्स के बनने में ये सहायक होता है यानी कि लाल रुधिराणुओं के बनने में ये सहायक होता है। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। फोर्थ विटामिन है B6 इसका रासायनिक नाम पायरीडॉक्सिन है। ये दूध ईस्ट अनाज मांस मांस यकृत मछली में पाया जाता है और शरीर की कार्यकारी पर जो ये प्रभाव डालते हैं प्रतिरक्षी प्रोटीन्स के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इसकी वजह से चर्म रोग यानी डर्मेटाइटिस रोग रुधिर क्षीणता यानी एनीमिया और पेशीय ऐंठन यानी मस्कुलर जो ऐंठन होती है उसकी वजह से ये इसी की कमी की वजह से होती है। फिफ्थ विटामिन है पेंटोथिनिक अम्ल यानी पेंटोथिनिक एसिड। ये अंडे यकृत मांस टमाटर गन्ना मूंगफली में पाया जाता है। इसकी शरीर की कार्यकारी पर जो ये प्रभाव डालता है यानी अपचय यानी कैटाबॉलिज्म क्रियाओं के सह एंजाइम ए का घटक है और इसकी वजह से सामान्य ग्रोथ होती है। इसकी कमी से चर्म रोग यानी डर्मेटाइटिस वृद्धि कम होती है यानी ग्रोथ कम हो जाती है शरीर की बाल सफेद हो जाते हैं जनन क्षमता कम हो जाती है यानी कि फर्टिलिटी कम हो जाती है। सिक्स विटामिन है बायोटिन
जिसे एच कहते हैं, और ये जो है मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, सब्जी, फल इसमें पाई जाती है। इसके शरीर की कारगी पर जो ये प्रभाव डालता है कुछ अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक होता है। इसकी कमी से जो रोग हो जाते हैं, चर्म रोग यानी डर्मेटाइटिस, बालों का झड़ना इसकी कमी से ही होता है। सेवेंथ जो विटामिन है वो फोलिक अम्ल समूह यानी फोलिक एसिड ग्रुप है, और ये हरी पत्तियां, यकृत, आंत के जीवाणु इसका संश्लेषण करते हैं, जिसके ये से ये भी प्राप्त, मतलब आंत के जीवाणुओं द्वारा भी ये बनती है। और ये जो डीएनए का संश्लेषण था, तंत्रिका तंत्र की कार्यकी पर जो है ये इस मतलब इसका कार्य है ये। और इसकी कमी से रुधिर क्षीणता यानी एनीमिया रोग और कुंठित बुद्धि से बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। एट विटामिन्स है B12, यानी इसका जो रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम है वो है साइनोकोबालामिन। इसका जो ये जो है ये मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध तथा आंत के जीवाणु के संश्लेषण, जो आंत के जीवाणु इसका संश्लेषण करते हैं उससे भी प्राप्त होता है, बॉडी में बनता है। इसका जो है ये इसका कार्य है ब्लड कार्प सेल्स का निर्माण यानी रुधिराणुओं का निर्माण और ग्रोथ के में इसका कार्य होता है। इसकी कमी से रुधिर क्षीणता यानी एनीमिया रोग हो जाता है। नाइन विटामिन्स है सी, विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल है, और ये नींबू वंश के फल तथा टमाटर में पाई जाती है। इसकी जो शरीर की कार्यकी पर जो ये फर्क डालती है ये है, अंतर कोशिकाओं के लिए सीमेंट का कार्य करती है तथा दांतों में डेंटिन का निर्माण करती है। इसकी वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जो जो विटामिन फैट में सॉल्युबल होती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहली है 10th विटामिन है ए, विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और ये दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल में पाई जाती है। और ये जो शरीर की कार्की में जो है वो विजुअल पिगमेंट्स का संश्लेषण करती है, और इसकी वजह से रक्ताउंधी यानी नाइट ब्लाइंड ब्लाइंडनेस और सल्की भवन जैसे रोग हो जाते हैं। 11th विटामिन है विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, और ये दो टाइप की होती हैं, D3 और D2। इसे सनशाइन विटामिन D3 को कहते हैं, और इसका जो ये जो पाई जाती है मक्खन, यकृत, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश के संश्लेषण द्वारा पाई जाती है। इसका कार्य है बोन तथा टूथ एंड टीथ का, जो दांतों की ग्रोथ में ये काम करता है। इसकी वजह से सूखा रोग हो जाता है। 12th जो विटामिन है वो है विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। ये तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी तथा सोयाबीन में पाई जाती है। इसका कार्य है कोशिका कला की सुरक्षा यानी सेल मेम्ब्रेन की सुरक्षा है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है यानी फर्टिलिटी में कमी आती है। 13th विटामिन है विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है नेथोक्विनोन, और ये हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन में पाई जाती हैं तथा इसका संश्लेषण आंत के जीवाणु भी करते हैं। और इसका इसका शरीर की कार्यकी पर जो फर्क डालती है ये है यकृत के प्रोथ्रॉम्बिन का संश्लेषण करती है, और इसकी कमी से चोट पर जो रुधिर का थक्का ना जमने से अधिक रक्त स्राव होता है। इसकी कमी से रुधिर का जो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से चोट लगने पर अधिक रक्त यानी कि अधिक जो ब्लड है वो निकलता रहता है। इसकी इसकी वजह से ये एनीमिया रोग भी जिसे कहा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नॉलेज गुरु जी को चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसमें आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें, एंड थैंक यू।